नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पूरे पट्टी या सीधी पट्टी के द्वारा चौरस गला फिनिश करना बताऊंगी। सबसे पहले आप ये चौरस गला काट लें। इसकी लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। मैंने इसकी लंबाई 5.5 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच ली। इस प्रकार से जो है ये आपका चौरस गला कट गया है। अब इसके अंदर मैं उरे पट्टी, इस देखो सीधी पट्टी भी आप ले सकते हो और उरे पट्टी भी, मैंने इसमें उरे पट्टी ली है। अब इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, सबसे पहले आप पट्टी को जोड़ें। मैंने पट्टी को जोड़ना पहली वीडियो में भी बताया है, आज भी मैं दोबारा से बता दूं। इस प्रकार से काट लें, इस तरह से कोने होते हैं उरे पट्टी के, और ये देखो खींचने से ना ये बढ़ती है। इस प्रकार से ले करके और इसको ऐसे पकड़ो, देखो इस प्रकार से। ऐसे करने के बाद अब ये देखें एक कोने से, और ये देखो इधर ये दूसरा कोना है, इसको इस तरह से ले और सीधी सिलाई लगा दें। ये बहुत ही आसान तरीका है उरे पट्टी जोड़ने का, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये उरे पट्टी आपकी जुड़ करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है, ये मैंने दूसरे कलर का धागा लगाया है, आप जो है सेम कलर का धागा लगाएं। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से अलग धागा ले रही हूँ, और इस प्रकार से आप इसको काट दें। देखो काटने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, और इसको पट्टी को इस प्रकार से आप चीर दें। इसको चीरना कहते हैं, इस प्रकार इसको चीर लें। चीरने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये आपकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से इतना इतना, ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और इसको इस प्रकार से सिलाई लगाएं। ये देखो इस प्रकार से आप प्रकार से पूरी पट्टी में एक जैसा मोड़ते हुए और आप इसको सील करें। इस प्रकार से पूरा सील पूरी पट्टी तैयार कर लें। देखिए ना आपकी पट्टी तैयार हो गई, इस प्रकार से इसको हमने मोड़ लिया। मोड़ने के बाद क्या करना है, इसको ऊपर से ऐसे सीधा कर ले इसको। ये आपकी सीधी साइड, और सीधी साइड आप इस तरह से रखोगे, इस तरह से ऐसे रखो। ये देखिए अब इसके ऊपर जो है इतनी इतनी आप सिलाई लगा लें, ये आप सिलाई लगाएं।
अब इसको ध्यान से देखना कि हम इसका चौरस कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये आपका कोना है, ये देखो ये कोना है आपका, ये इस कोने तक आप इसको इस तरह ले आए, ये आने के बाद अब ध्यान से देखना, सुई आप ऐसे ही रखिए, मशीन को इस तरह से ऊपर उठा ले। उठाने के बाद आप इस तरीके से रखेंगे, ये देखो ऐसे इस प्रकार से, ये देखिए बिल्कुल आपका ये कोना है, इस कोने से आप इसको बिल्कुल, ये जो देखो मैंने ये फोल्ड किया है, ये बिल्कुल आपके इस कोने पे आना चाहिए, ये देखो ये कोना, ये इस प्रकार आने के बाद आप इसको ऐसे एक टांका और लगा कर इस प्रकार घुमाओ, इस तरह से देखिए। पहले मैंने इसको सीधा लिया, सीधा लेने के बाद मैंने ये कोना बनाया, ये देखिए आप इस प्रकार से, और अब इसको इस कोने पर आ जाओ, इस कोने पर भी आप बिल्कुल इस कोने पर आ करके, ये देखिए ये मेरा कोना है, यहाँ तक आप सिलाई लगाएंगे ऐसे ही, इस प्रकार आप सिलाई लगाएंगे और इसी कोने पर आ करके आपने रोक लिया। रोकने के बाद सुई आप नीचे ही रखोगे और इस कपड़े को आप यहाँ से पकड़ोगे इस तरह से, और इसको ऐसे रखोगे, ये देखो ऐसे बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये देखो आप, ये ना ऐसे कोना बन जाएगा, चाहे आप इधर घुमा लो चाहे आप इसको ऐसे घुमा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड किसी भी साइड आप इसको घुमा सकते हो। और ये देखो इसको बिल्कुल कोने के पर ला करके रखना है, इस पट्टी को कोने पे लाने के बाद इसके एक या दो टांके आगे फिर बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद इसको इस तरह घुमाओ। जब आप कपड़े को घुमाओगे तो सुई जो है वो नीचे ही रहेगी, कपड़े के नीचे ही रहेगी, और ये आपका कोना बिल्कुल ऐसे आएगा, और फिर ऐसे पकड़ के उसको नीचे करोगे, ये देखो ध्यान से देखो आप, ये देखिए, और इसको जो है इस प्रकार बिल्कुल कपड़े के साथ साथ मिलाते हुए और सिलाई को पूरा कर लेंगे। ये आपकी सिलाई पूरी हो गई है, ये भी आपकी फेसिंग पट्टी है, इसको भी हम फेसिंग पट्टी कहते हैं, जो भी पट्टी लगा करके अंदर मोड़ी जाती है उसको हम फेसिंग पट्टी कहते हैं। अब ये देखो ध्यान से, अब ये देखिए इस प्रकार से ये ऐसे कोने बढ़ेंगे, ये ऐसे देखो इस प्रकार से, और ये जो चौरस जो है ना ये यहाँ पर कट लगा दें, ये देखिए मैं सीधी साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी उल्टी साइड है, ये देखो मैंने कट लगाए हैं बिल्कुल ऐसे ही, आपको कट लगाने, कट लगाने के बाद अब इसको क्या करना है, वही ऐसे जो है ऐसे प्रेस ओपन कर लो, ये मैंने उरे पट्टी लगाई, आप इसको सीधी पट्टी भी ले करके लगा सकते हैं, ये देखो इसको इस प्रकार से ले करके ऐसे, और यहाँ पर अब ये ध्यान से देखें कि ये कपड़ा अंदर की तरफ पट्टी की साइड करके और इसके किनारे की एक सिलाई लगा देंगे, किनारे की सिलाई लगाएंगे, ये देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे किनारे लगाते हुए सुई को ऐसे नीचे करके फिर इस कपड़े को इस तरह से घुमाओगे और इसको ऐसे कर लोगे, फिर इसको
किनारे की सिलाई लगाते हुए। इस प्रकार किनारे की सिलाई लगाते हुए बिल्कुल नोक पर इसको रोकना है। रोकने के बाद फिर इसको ऐसे करके, ये देखिए, ऐसे घुमा के और इसको इस तरह से सिलाई लगा। ये सिलाई लगाने के बाद देखिए आपका जो है गला बन करके तैयार हो गया है। और आप इसको इस प्रकार मोड़ करके पहले कच्चा कर लें। आप कच्चा हाथ, क्योंकि आप अगर शुरू शुरू में सीख रहे हो, नए नए हो, तो आप इसको जो है हाथ से कच्चा करें। मैं आपको मशीन से ही कच्चा करके दिखा रही हूँ। इस प्रकार से आप बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ते हुए इस प्रकार सिलाई लगा लें। ये देखो, ये इतना अच्छा कोना बनेगा यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे कोना बन जाएगा। ऐसे करके ये देखिए, बहुत ही सुंदर कोना बनेगा यहाँ पर। ये मैंने उरे पट्टी काटी थी। आप इसको यहाँ इस सीधी पट्टी के द्वारा भी आप इस नेक को फिनिश कर सकते हैं। इसमें ये देखिए, ये देखो कितनी शानदार कोना बना है। और ये इसकी सीधी साइड है, ये देखिए, ये देखो, ये गला आपका बन करके तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।